कोरोना काल में दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर भले ही बुरा असर पड़ा हो, लेकिन दिल्ली सरकार को नई एक्साइज नीति से काफी राहत की उम्मीद है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली सरकार की कमाई में सालाना 3.5 करोड़ की अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी से करीब 6400 करोड़ के मुकाबले साल 2021-22 में 10000 करोड़ के राजस्व का अनुमान है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नई एक्साइज पॉलिसी की, हमारा आकलन था कि लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पूरे प्रयास से, नई एक्साइज पॉलिसी के रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म से, सरकार को अगले साल से, माने अगले 12 महीने में, जो अभी तक बीत गया साल, 12 महीने के लिए पॉलिसी उस तरह के साइकिल में देखेंगे तो एक साल के 12 महीने के पीरियड में लगभग 3.5 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जो कि अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 2 सालों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। साल 2020-21 में 41% कम राजस्व की वसूली हुई, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित बजट के मुकाबले टैक्स कनेक्शन 23% कम है। इस साल राजस्व की स्थिति पर नजर डाले तो GST कलेक्शन 23%, VAT 25%, एक्साइज कनेक्शन 30%, स्टाम्प ड्यूटी से होने वाली कमाई में 16% और मोटर व्हीकल टैक्स के कलेक्शन में 19% की कमी दर्ज की गई है। सिसोदिया ने कहा कि टैक्स कलेक्शन में कमी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि दिल्ली को केंद्र से हिस्सेदारी भी सीमित मिलती है। मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को ना तो फाइनेंस कमीशन के तहत जो सेंट्रल टैक्सेस के शेयर में 42% मिलता है, सेंट्रल टैक्सेस के कलेक्शन में से 42% राज्यों को दिया जाता है, वो दिल्ली को नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार से पिछले 20 साल से एकमुश्त 325 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है दिल्ली सरकार को, जबकि 1,40,000 करोड़ का करीब टैक्स दिल्ली के लोग सेंट्रल टैक्सेस में देते हैं। तो ये सारी स्थिति इसलिए क्योंकि कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लो है और उसकी वजह से टैक्स भी कलेक्शन लो है। आने वाले समय में और भी टफ रहेगा सभी सरकारों के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए सरकार ने खर्चों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया हुआ है। अभी इस साल की रेवेन्यू पोजीशन में मैंने ओवरऑल बोला 23% नीचे है, जिसमें GST का कलेक्शन अभी तक जितना होना चाहिए था उसमें 23% नीचे है, VAT का कलेक्शन जितना होना चाहिए था उसमें 25% नीचे है, एक्साइज का कलेक्शन जितना होना चाहिए था अभी तक उसमें 30% नीचे है, स्टैंप के कलेक्शन में 16% नीचे है और मोटर व्हीकल के कलेक्शन में 19% नीचे है। तो ये अभी तक की पोजीशन मैंने आपके सामने रखी। इस बीच दिल्ली में इसी साल सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी मंजूर की है, जिसके बाद 17 नवंबर से नई दुकानें खुलने शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली में चलने वाली पुरानी शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।